वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा अर्थिंग ग्रिड के बारे में। अर्थिंग ग्रिड कितने टाइप का रहता है? हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स एज वेल एज वर्टिकल इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके भी अर्थिंग ग्रिड बनाया जाता है। एंड अर्थिंग ग्रिड का डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए एंड अर्थिंग ग्रिड का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में सीखा। आज के सेशन में अर्थिंग ग्रिड जो हमने इंस्टॉल किया है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड है IEEE 81, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं एज वेल एज़ प्रीवियस वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पर मिल रहा होगा। सो लेट्स बिगिन। अभी अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, अगर आपने रोड टाइप का अर्थिंग किया है देन अगर आपका रोड का लेंथ जो है वो 10 फीट है देन 10 फीट सराउंडिंग एरिया जो रहेगा आपके इलेक्ट्रोड का उसको कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो रोड टाइप का अर्थिंग है जिसके अंदर हमने कॉपर रोड का इस्तेमाल किया है। सो 10 फीट लेंथ का अगर कॉपर का रोड है देन उस 5000 क्यूबिक फीट ऑफ सोइल के अंदर वो फॉल्ट करंट को डिसिपेट करेगा। सेम अगर कॉपर रोड का लेंथ 8 फीट है देन 2560 क्यूबिक फीट ऑफ सॉइल के अंदर वो फॉल्ट करंट को डिसिपेट करेगा। सो जैसे जैसे हम फॉल्ट अर्थिंग इलेक्ट्रोड का डेप्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे क्या होगा कि फॉल्ट करंट को इजीली डिसिपेट करेगा, क्योंकि डाउन द लाइन जो सॉइल है डीपर जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की कंडक्टिविटी बढ़ती है एंड रेजिस्टिविटी कम होती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं हम डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू डाउन होता जा रहा है। अभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम इमेजिन करेंगे कि जैसे हमने ग्राउंड इलेक्ट्रोड को ग्राउंड के अंदर हमने इंस्टॉल किया देन इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में जो अर्थ है वो उसको कहेंगे अर्थ शेल्स। अभी अर्थ शेल्स जो है वो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड है यानी ये सराउंडिंग में अर्थ शेल्स है। सो हर एक अर्थ शेल्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अभी आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड का जो सिस्टम है उसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड उसका हमने जो कनेक्शन किया है उसका यह टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सेकंड पार्ट है सॉइल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अभी अगर आपका इलेक्ट्रोड का जो सरफेस है उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है या रस्टेड कंडीशन में है देन सॉइल के साथ वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा देन सॉइल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड को ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं देन उसका सरफेस क्लीन होना चाहिए, रस्टेड नहीं होना चाहिए एज वेल एज उसके ऊपर कोई पेंट भी नहीं होना चाहिए। सो आपका सॉइल कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस बेटर मिलेगा यानी कि निग्लिजिबल मिलेगा। थर्ड कंपोनेंट है कि सराउंडिंग एरिया जो है अर्थ का उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। सो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस का। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ये मीनिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है म्यूचुअल रेजिस्टेंस। अभी म्यूचुअल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि ये जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं सो ING इलेक्ट्रोड है हमने मेजरमेंट करने के लिए इंस्टॉल किया है। अभी हर एक इलेक्ट्रोड जो है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एरिया डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सो आई का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो एरिया है वो इतना है एंड जे का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एरिया इतना है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि INJ इलेक्ट्रोड जो है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है जिसकी वजह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो एरिया है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि मेजरमेंट में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि उसमें म्यूचुअल रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है। अभी आई के अंदर से कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से जे के पोटेंशियल पर इफेक्ट आता है। सेम अगर जे के अंदर से कोई करंट फ्लो हो रहा है देन उसका इफेक्ट जो है वो आई के पोटेंशियल पर आएगा। सो अगर दोनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं देन ये म्यूचुअल रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है। सो हमें ध्यान रखना है कि INJ इलेक्ट्रोड जो है
वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होने चाहिए। सो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आता हुआ मिलेगा। सो ये म्यूचुअल रेजिस्टेंस का मीनिंग हो गया। अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल क्यों कहते हैं इस मेथड को? सो इसका मीनिंग है कि अर्थ जो इलेक्ट्रोड है, सो वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी हाई रहेगा। जैसे जैसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड से दूर जाते जा रहे हैं, वैसे पोटेंशियल जो है वो गिरता चला जा रहा है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड के पास वोल्टेज का जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, पोटेंशियल हाई है। एंड जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो गिरता चला जा रहा है एंड रिड्यूस होता जा रहा है। सो इसीलिए इस मेथड को कहते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ये उसका सेटअप है। सो अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या है कि एक कनेक्शन जो है ये हमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ करना है। ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड को थ्री पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। सो ये आपका इक्विपमेंट है, जैसे कि मेगर का इक्विपमेंट है जिसके ऊपर फोर नंबर ऑफ टर्मिनल्स रहेंगे। अगर कोई इक्विपमेंट है जिसके ऊपर थ्री टर्मिनल्स है, सो उसके अंदर C1 एंड P1 जो है वो इंटरनली शॉर्टेड रहेंगे, क्योंकि C1 एंड P1 जो है वो हमें अर्ध इलेक्ट्रोड जो अंडर द टेस्ट कंडीशन में है उसके साथ हमें अटैच करना है। सो हमें फर्दर परफॉर्म करने के लिए क्या करना है कि C1 एंड P1 को जो है वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करना है। C2 को हमें C1 से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना है। अभी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना है। आपके इलेक्ट्रोड का लेंथ अगर 15 फीट है, देन C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 300 फीट रहेगा। सेम अगर आपका इलेक्ट्रोड का लेंथ 60 फीट है, देन C1 एंड C2 का डिस्टेंस 600 फीट रहेगा। सो टिपिकल कंडीशन में C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना है। अगर इलेक्ट्रोड का लेंथ 10 फीट है, देन C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 टू 20 टाइम्स द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड रहना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। सो अभी हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है, C1 एंड P1 को अटैच किया इलेक्ट्रोड के साथ, C2 को हमने रखा 600 फीट पे। ओके, सो अभी P2 को हमें रखना है 61.8% टू द टोटल डिस्टेंस। अभी ये डिस्टेंस यानी कि P2 का डिस्टेंस कितना होगा, सो P2 को हमने रखा 61.8 टाइम टोटल डिस्टेंस। अभी हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए क्या करना है कि P2 को हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंडीशन में हमें लगाना है एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करना है। सो P2 को हमने पहले रखा 61.8 डिस्टेंस पे ऑफ टोटल डिस्टेंस, सेकंड उस टाइम पे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला R2 = 8। हमने क्या किया, P2 को फॉरवर्ड कंडीशन में लिया, 50 to 100 फीट फॉरवर्ड लिया एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर किया तो मिल रहा है 9 ओम। सेम हमने P2 को बैकवर्ड कंडीशन में लिया 50 to 100 फीट एंड रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया तो वैल्यू मिल रहा है 5 ओम। अभी हमें रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों जो वैल्यू मिला R1, R2, R3 इन तीनों का एवरेज निकालना है। सो एवरेज मिल रहा है 7.33 ओम्स। सो ये आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अभी ये 61.8 पे हमें ये क्यों रखना है, क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि अगर हम P2 को 61.8 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस पे रखते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो काफ़ी एक्यूरेट मिलता है। सो फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड को 62% डिस्टेंस रूल भी बोला जाता है। सो 62% रूल भी इम्प्लीमेंट किया जाता है रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए। सो इस कंडीशन में C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस 600 फीट है एंड P2 को हमें रखना है 370 फीट पे C1 से एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करना है। सो आपको एक्यूरेट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड को परफॉर्म करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो है जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, सो उसको हमें सिस्टम से डिसकनेक्ट करना है एंड पर्टिकुलर उसी इलेक्ट्रोड का हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करना है।
अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड जो है उसका एडवांटेज है कि ये जो मेथड है वो एक्सट्रीमली रिलायबल है एज वेल एज IEEE स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता है एंड इससे जो डेटा यानी कि रिजल्ट जो इसका आता है वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें लॉन्गर टेस्ट लीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रोड का लेंथ बढ़ता जाएगा सो हमें C1 से C2 का डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉन्गर टेस्ट लीड हमें चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। सेम अगर लॉन्ग अर्थिंग सिस्टम है या लार्ज अर्थिंग सिस्टम है हमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा मेजरमेंट करने के लिए एंड लेबर इंटेंसिव मेथड है ये। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड जो है वो स्मॉल अर्थ रोड सिस्टम के लिए है, लार्ज अर्थिंग सिस्टम के लिए हम टेक्निक जो है वो नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, स्टे ट्यून फॉर लर्निंग। थैंक यू।